पुलिस में मजा नहीं है ना, जो मजा आर्मी में है वो नहीं है। तो इतनी सुंदर लोकेशन में बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। शाबाश बच्चों, गुड। आज हम आए हैं बहुत दूर घूमने के लिए और साथ में हैं आज जोशी जी। हेलो करो, हेलो करो। गाड़ी स्टार्ट है तो हेलो नहीं कर रहे हैं। और हम थोड़ा ऊपर जा रहे हैं घूमने के लिए और हम हैं आज रौशिला वाली रोड में। तो देखते हैं, आपको कोशिश करूंगी पूरी हल्द्वानी दिखाने के लिए, पूरी कोशिश करूंगी कि आपको पूरा हल्द्वानी दिखाऊं ऊपर टॉप से। और अभी हम चलते हैं, ये रूट जारी है तो आप बने रहे हमारे साथ ब्लॉग में। तो चलिए चल रहे, आराम से ले जाना है, गिरा मत देना मेरे को। चलो तो हम जा रहे हैं ऊपर टॉप में। ये मंजूर नहीं थे जाने के लिए, लेकिन मैंने इनको दोस्ती से इनको बोला है कि चलो थोड़ा आगे और दिखाते हैं थोड़ा आगे का सीन, तो बहुत अच्छा व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा आगे जाके। देखो कितना सुंदर है, और ऐसे ऐसे मोड़ हैं कि अचानक से गाड़ियां आ जा रही हैं आगे से, तो इन्होंने हेलमेट भी उतार दिया है अपना। उनको दिखाना है फैशन, तो मुझे नहीं फैशन दिखाना है, मैंने हेलमेट पहन लिया है। बहुत चढ़ाई में है, ऊपर को जाते वक्त बहुत चढ़ाई पड़ती है यहाँ पर, और नीचे को जो है वो बहुत डाउन है। तो अभी हम जा रहे हैं चढ़ाई में, तो मजा आ रहा है। पूरी हरियाली हरियाली आपको देखने के लिए मिलेगी, और बहुत सारे लोग देखे ऐसे बैठे हैं यहाँ पर घूमते हुए आ रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। देख सकते हैं, देखिए बच्चे कैसे आर्मी की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। वाह कितना सुंदर है, देखो रूम आने के लिए यहाँ नींद बंद कर रहा था, कितना सुंदर है देखो यहाँ कैसे लोग आए हुए। बहुत ज्यादा खराब हो रही है, और ये देखिए काठगोदाम यहाँ से दिख रहा है, काठगोदाम। तो ये देखिए काठगोदाम, तो यहाँ से आपको दिखाती हूँ काठगोदाम। ये पूरा यहाँ पर काठगोदाम दिख रहा है यहाँ से, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से काठगोदाम। और अभी थोड़ा और टॉप में जाएंगे तो वहां से मैं आपको हल्द्वानी दिखाऊंगी। शाम जाएंगे जाएंगे थोड़ा सा और आगे, थोड़ा वो देखे सामने हल्द्वानी, और यहाँ है काठगोदाम, पूरा काठगोदाम यहाँ से दिखाई दे रहा है। खूबसूरत सा जंगल, तो यहाँ लोग जो है बहुत मस्ती करने के लिए आते हैं, और ये घूमने के लिए लोग आ रहे हैं यहाँ पर।
बस थोड़ा टॉप में वहाँ पर, वहाँ से सब दिखता है, कहीं अंधेरा नहीं है, एक ही तो मोड़ है ये। तो व्लॉग पूरा ही नहीं होगा, तो यहाँ पर मैं जोशी जी से यही डिस्कस कर रही थी कि यहाँ से थोड़ा सा ही आगे है, चलो मेरे को ले चलो और अच्छा सा ब्लॉग बन जाएगा, पूरा हल्द्वानी वहाँ से दिख जाता है, तो चलिए वहाँ से। और तो जोशी जी मेरे से कह रहे थे देखिए इधर से कितना यहाँ से हमको घूम के जाना पड़ेगा, और बहुत यहाँ से जो है मोड़ है जाने के लिए, और काफ़ी रास्ता आगे को ख़राब है, तो आज जाना ठीक नहीं है, फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे, थोड़ा जल्दी आ जाएंगे फिर जाएंगे। लेकिन मैं उनसे फिर भी ज़िद्द करने में लगी थी चलो चलो करके, तो फिर उनने मेरे से कहा कि यहाँ से बहुत ज़्यादा आगे हमको टॉप में जाना पड़ेगा और बहुत चढ़ाई है, और वहाँ से जाते वक्त अंधेरा हो जाएगा, तो आज जाना ठीक नहीं है। तो यही यहाँ पर हमारी बातें चल रही थी और उसके बाद हम आ गए थे। तो दोस्तों हम यहीं तक आए हैं, और यहाँ से आगे जाने के लिए जोशी जी मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि रात हो जाएगी, और टाइम अभी 5:30 बजे का हो गया है, लेकिन यहाँ से पूरा अंधेरा है। 6:30 हो गया, तो 6:30 हो गया है, और यहाँ से जाते वक्त हमको बहुत टाइम लग जाएगा, ऊपर टॉप में जाना है हमने, तो वहाँ से हल्द्वानी दिखेगा। तो जोशी जी मना कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए, तो हम यहीं तक आ जाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम अगली बार आपको वीडियो में दिखाएंगे, मैं नेक्स्ट टाइम इनको लेके आऊँगी। तो आज हम थोड़ा देर में आए हैं, तो आप यहाँ से देख लीजिए वो काठगोदाम दिख रहा है, और उधर साइड को वहाँ से थोड़ा ऊपर टॉप में जाना पड़ता है, वहाँ से पूरी हल्द्वानी जो है वहाँ से दिखती है। और मना कर रहे हैं तो मैं क्या करूँ, मेरे बस में तो है नहीं, अगर ये मानते तो मैं इनको ले जाती, ये मना कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो हमको यहीं से ही वापस होना पड़ेगा। तो आगे आपको थोड़ा और दिखाऊँगी, बने रहे आप। तो ये बोल रहे हैं ज्यादा बदलाव से चार ठीक नहीं होता। तो हम यहाँ से रिटर्न वापस हो गए हैं घर को, और इससे ऊपर को नहीं गए, कोई बात नहीं, सही भी नहीं है, अभी मौसम भी ठीक नहीं है, देखो मौसम थोड़ा आंधी तूफान का हो रहा है, और बारिश का मौसम भी है आजकल, अभी कोई पता नहीं है बारिश भी आ जाए अचानक से, तो सही भी नहीं है। तो हम यहाँ से वापस हो रहे हैं घर के लिए, तो ये बच्चे यहाँ पर पहले भी एक्सरसाइज कर रहे थे, तो वही बच्चे यहाँ पर अभी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये देखो ये आर्मी की तैयारी कर रहे हैं मुझे लग रहा। तो बच्चे आप काहे की तैयारी कर रहे हो बच्चो? आर्मी की। आर्मी की? तो ये बच्चे देखिए कैसे यहाँ पर, कहाँ से आए हो? यही मतलब हल्द्वानी के, यहाँ काठगोदाम साइड के। अच्छा, मेरा भतीजा भी आता ना यहाँ, बहुत तैयारी में है वो, डेली आता है हल्द्वानी से, ये भी आर्मी में ही है। तो बच्चों की यहाँ पर मेहनत देखिए आप, कितने तैयारी कर रहे हैं बच्चे, फुल तैयारी में हैं, लगे रहो बेटा, जरूर आपको मंजिल मिलेगी। पुलिस की? पुलिस के लिए अभी तो जो भर्ती हुई, अभी मारेंगे, अभी तो भर्ती उसकी चल रही है, अभी आर्मी की आएगी, पुलिस का नहीं मारना, अभी आर्मी की आएगी, पुलिस में मजा ही नहीं अंकल, ना 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 ना, अरे नहीं पुलिस में नहीं मारना, पुलिस में मजा नहीं है ना, जो मजा आर्मी में है वो नहीं है। तो इतनी सुंदर लोकेशन में बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, शाबाश बच्चों, गुड। तो जोशी जी इनको दे रहे हैं, पसीने से बच्चे बिल्कुल तरबर हो रखे हैं यहाँ पर, काठगोदाम 2 किलोमीटर यहाँ से। हेलो तो कर दो बच्चों। हेलो, आप जानना नहीं चाहोगे मेरा कौन सा चैनल है? यूट्यूब में है, नई नई ब्लॉगर हूँ, जानकी जोशी, नेचुरल जानकी जोशी ब्लॉग करके है, दो चैनल है वैसे, एक जानकी जोशी भक्ति संगीत करके भी है, और एक नेचुरल जानकी जोशी ब्लॉग। हाय, हेलो, चलो तैयारी करो आप लोग, ठीक है, आप जरूर मेहनत, बाय।
यहाँ पर बच्चे फुल तैयारी में हैं। उत्तराखंड का नाम तो वैसे भी आपको पता ही है, आर्मी में बिल्कुल रोशन है उत्तराखंड का नाम। और यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और हमेशा यहाँ का नाम ऊँचा करने की कोशिश करते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ बच्चे जो है लगे हैं मेहनत में, जंगलों में आके अपनी प्रैक्टिस को जारी रख रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा बच्चों से मिलके। और कई बच्चे यहाँ पर घूमने आ रखे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट ज़्यादा यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। और ये देखो डॉगी भी यहाँ पर घूमने आ, तो ये डॉगी भी यहाँ पर घूमने आए हैं। देखो इतने मस्त हो रखे हैं, सब आर्मी की तैयारी के लिए आए हैं बच्चे यहाँ पर। काफी लेडीज जो हैं यहाँ पर घूमने के लिए सब वॉक पर आई हैं। बहुत अच्छा लगा यार यहाँ आके ना। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं घर को और आज का व्लॉग जो है मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जोशी जी के साथ किया और बहुत अच्छा लगा। नए नए बच्चे से मिलिए और आर्मी की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों आज का व्लॉग भी एंड करूँगी, आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।